हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। ये डोर मैट मैंने अपनी पुरानी कुर्ती और साड़ी को यूज करके बनाया है। आपके पास भी पुरानी दुपट्टे, साड़ियाँ, शर्ट्स, कुर्तियाँ वगैरह पड़ी हैं तो आप उनका यूज़ करके इस सुंदर से डोर मैट को बना सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। डोर मैट के बेस के लिए मैंने 25 इंच लंबा और 15 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। आप पुरानी जीन्स, कॉटन बेडशीट का कपड़ा ले सकते हैं। मैंने रेड और ब्लू कलर की स्ट्रिप्स काट ली हैं। जैसा हम पाइपिंग में लगाते हैं उसी तरह की तिरछी पट्टियाँ काटनी हैं। इनकी चौड़ाई करीब 2.5 इंच लेनी है। अब आप जितनी बड़ी डोरमेट बना रहे हैं उसी के साइज़ के हिसाब से आप इसकी लंबाई लेंगे। डोरमेट के सेंटर में पहले मार्क कर लेंगे। सेंटर में मैंने ब्लू स्ट्रिप लगाया है इसलिए इसकी मैं लंबाई नाप लेती हूँ। इसके साइड में मैं रेड स्ट्रिप को लगाऊंगी। रेड स्ट्रिप को उसके साथ में रखेंगे जिससे हमें उसकी भी लंबाई पता चल जाएगी। जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम बाद में काटेंगे। अभी रेड और ब्लू स्ट्रिप को आपस में हम जॉइंट कर लेंगे। हमें किनारे सिलाई लगा लेनी है जिससे कि ये आपस में जॉइंट हो जाए। मैंने सिलाई लगा ली है। अब रेड स्ट्रिप को दूसरी ब्लू स्ट्रिप के साथ फिर से जॉइंट करेंगे इस तरह से। मैंने सारी स्ट्रिप्स को आपस में जोड़ लिया है और बेस के साथ पिन लगाकर फिक्स कर लिया है। जो एक्स्ट्रा है उसे हम काटेंगे। उल्टा करने पर ये इस तरह से दिख रहा है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम काट कर निकाल लेंगे। अब हम इस पर सिलाई चलाएंगे। ब्लू स्ट्रिप और रेड स्ट्रिप के बीचों बीच एक सिलाई होगी और जहां हमने दोनों को जॉइंट किया है वहां एक सिलाई लगेगी। इस तरह से सभी पे हम स्टिचिंग करते जाएंगे। देखिए हमें इस तरह से सिलाई करनी है। हर स्ट्रिप के बीच में एक सिलाई आएगी और हर स्ट्रिप के किनारे भी एक सिलाई आएगी। सिलाई होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। मैंने एक पुरानी सिंथेटिक साड़ी ली है। आप जॉर्जेट वगैरह का दुपट्टा भी ले सकते हैं। इसमें लगभग हाफ साड़ी का यूज होता है इसलिए मैंने आधी साड़ी को 5-5 टुकड़ों में काट लिया है। अब हमें इसे इस तरह से रोल करना है और इसमें छोटी वाली सेफ्टी पिन लगाएंगे या क्लिप का भी यूज कर सकते हैं। अब इस कपड़े को सिलाइयों के बीच में जो खाली जगह है उसमें हम इंसर्ट करेंगे। धीरे धीरे आराम से खींचेंगे तो ये अंदर चली जाएगी। एक्स्ट्रा पार्ट को हम काट लेंगे। इसी तरह लगभग 1.25 इंच की जो जगह खाली है उसमें हम इसी तरह से धीरे धीरे साड़ी को इंसर्ट करते जाएंगे।
अब यह इस तरह का हो चुका है। जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे हम काट लेंगे। जो कपड़ा एक्स्ट्रा था उसे हमने काट लिया है। डोरमेट के साइड में हम पाइपिंग लगाएंगे। इसके लिए मैंने 3 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है। पहले स्ट्रिप को उल्टे साइड से ज्वाइंट करेंगे। फिर पाइपिंग को आगे की तरफ ले आएंगे और इसे थोड़ा सा मोड़ते हुए स्टिच करेंगे। पाइपिंग को हमने जो 25 इंच वाला पार्ट था उसमें लगाया है। अभी दूसरी तरफ भी हमें 25 इंच वाले पार्ट में ही लगाना है। अब मैं डोरमेट में चौड़ाई की साइड से पाइपिंग लगाऊंगी। स्ट्रिप को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा मोड़ लेंगे अंदर की साइड और तब इसे स्टिच करेंगे। इस तरह दोनों साइड को थोड़ा सा अंदर मोड़कर मैंने इसे स्टिच किया है। पाइपिंग को किनारे से हम इस तरह तिरछा मोड़ लेंगे और इसे थोड़ा अंदर की तरफ मोड़कर स्टिच करेंगे जिससे कि कॉर्नर बन जाएगा। डोरमेट बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।